मबादी जदीदियत के बारे में खुलासा यही है जो आपको बताया जाता है, मबादी जदीदियत तखरीब है, ये जिद इंसानियत है, इंसान को हैवान से बदतर बनाने का शैतानी खेल है, इसे हुकूमतों के जरिए जबर से नाफिज किया जाएगा। आप ये लिखते हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि आप समझेंगे ना, इसकी बुनियाद पर हुकूमतों ने फैसले किए भी हैं और करते भी हैं, और आप सुनेंगे कि अच्छा ये जो ट्रांसजेंडर वाला बिल आ गया ना, तो आपके बारे में आपको पता है ये क्या हुआ। इसी तरह चीजें आएंगी, लेकिन ये बात भी जहन में याद रखे कि पूरी दुनिया पर उनकी ऐसी वो नहीं हो सकती। कुछ लोग अब भी यानी मगरिब में चीन वाले इसके मुखालिफ हैं, रूस वाले इसके मुखालिफ हैं। ये अच्छा हुआ कि जो दाएं और बाएं बाजू वाली पीली तकसीम है ना, रूस वाले भी इन चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब यह कि ये चीज ऐसी नहीं है कि जिससे बिल्कुल घबराया जाए कि अब खुदा न खाता क्या होगा। मतलब मेरा सिर्फ ये है कि आप बेदार रहें, कि ऐसा ना हो कि आपके ऊपर सतुब्दील कल याम माकुंत जाहिला वह अतीक बिल अखबार मल्लम तो जरूरी, ऐसा ना हो कि अचानक आपके पास कोई चीज आ जाए, पहले से आपके जहन में हो कि ये चीजें हैं और उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है। दज्जालियत का यह गलबा है, बल्कि दुष्ट अल्फाज में ये ला इलाह का ऐलान है, ला इलाह कुछ भी नहीं। जब ला इलाह होगा तो इसके बाद इल्लल्लाह जरूर होगा, इसलिए कि नफी इस बात के बगैर कोई चीज नहीं। सिर्फ नफी आप मुझे इस लाइट में भी साबित नहीं कर सकते कि सिर्फ नफी की बुनियाद पर यह काम कर रहा है। ये सारी चीजें जो काम कर रही हैं, ये नफी और इस बात दोनों की बुनियाद पर काम है। तो जब ये नफी आ गई है तो ला इलाह के बाद इल्लल्लाह का जमाना आएगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोई की है अब उसके पूरे होने का भी वक्त है। लेकिन मेरा और आपका इस बारे में क्या रोल होगा, बस ये चीजें, अगर आप आज की क्लास में, मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि कुछ चीजें आपके जहन में ये डालूं कि भाई कुछ और चीजें भी है, कुछ और भी काम है, वो जो शायर कहता है ना, और भी काम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो आपकी जिन चीजों से मोहब्बत है ना, उसके अलावा कुछ और भी काम है, तो उन और कामों के लिए अपने आप को तैयार करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर बाकी चीजें होंगी। वाह।